और झांसी की धरती का सौभाग्य है कि इस धरती ने मेजर ध्यानचंद जी को पैदा किया। इस धरती से हमें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और इस धरती के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया है और भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बना रही है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहां पर हम लोगों ने मैं जब यहां पे आया था स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत और मेजर ध्यानचंद जी के म्यूजियम और लाइब्रेरी का उद्घाटन का कार्यक्रम के साथ साथ झांसी की 1900 करोड़ रुपए से जितनी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर दरमान यहाँ के लिए दी, यहाँ के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और सभी कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ।